Everyone, my name is kamini singh and this is my youtube channel that is facilitate to educate where i am going to help you in your learning process to begin with we are going to start with the preparation of nta ugc net especially for paper two of environmental sciences that will also help you in people development and environment section of paper one so this is the topic that we are going to study today and let's get started

फॉग इंटेंसिफाइड ड्यू टू स्मोक और अदर एटमोस्फेरिक पॉलिटेंट्स जो फॉग हम जनरली विंटर्स में या फिर और टाइम्स में देखते हैं सर्दियों में जो फॉग देखते हैं वो अगर बढ़ जाता है इंटेंसीफाई हो जाता है जो स्मोक निकल रहा है या फिर जो और एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से तो उसे हम स्म कहते हैं दो टाइप्स के स्मॉग होते हैं बेसिकली एक क्लासिकल स्मॉग है और एक है फोटोकेमिकल स्मॉग इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल स्मोक क्या होता है तो क्लासिकल स्मोक को हम और तीन नामों से जानते हैं पहला है सल्फ्यूरस स्मोक दूसरा है लंडन स्मोक और तीसरा है इंडस्ट्रियल स्मोक तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था शुरू शुरू में तो जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी वो कोल पर डिपेंडेंट थी कोयले पर डिपेंडेंट थी वो कोयला जलाकर ही अपना काम चलाती थी तो जो कोयला है उससे सल्फर निकलता है इसीलिए इसको सल्फ्यूरस स्मोक भी कहा गया है और लंडन में ये स्मोक पहली बार देखा गया था या फिर आइडेंटिफाई किया गया था तो इसलिए इसको लंडन स्मॉग भी कहते हैं ये काफी फेमस एपिसोड रहा था लंडन स्मॉग का जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे दूसरा है ये भूरे रंग का होता है ब्राउन कलर का ये स्मॉग होता है बेसिकली जो हम फॉग देखते हैं या फिर जो धुन देखते हैं वो सफेद रंग की होती है अक्सर लेकिन इसमें जब स्मोक मिल जाती है तो ये भूरे रंग की हो जाती है और वो जो भूरे रंग वाली है उसको हम क्लासिकल स्मॉग बोलते हैं ये रिड्यूसिंग नेचर में होती है इसका इसमें रिडक्शन हो रहा होता है इसके पूरे प्रोसेस में इसलिए ये रिड्यूसिंग नेचर की है इसके मेजर जो कॉन्स्टिटुएंट्स हैं जो पार्ट्स हैं वो है स्मॉग और फॉग जो कि स्मोक और फॉग जो कि हर स्मोक uh, का पार्ट होते हैं लेकिन इसमें मेजर जो है वो है एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड इसका मेजर कॉन्स्टिटुएंट है जैसा कि हमने देखा कि सल्फ्यो स्मॉक बोला जाता है और ये कोल की वजह से हो रहा है तो जब सल्फर एटमोस्फेयर में आती है और वो ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है और उसी को हम देखते हैं कि स्मोक और फॉग के साथ वो मिलकर क्लासिकल स्मॉग बना रही है नेक्स्ट है ये डे और नाइट दोनों में हो सकती है दिन और रात कभी भी हो सकती है इसको कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं चाहिए कि दिन में ही होगी या रात में ही होगी ये दोनों टाइम देखी जा सकती है और लास्ट में कि अगर किसी जगह पर कोल्ड या फिर ठंडी और ह्यूमिड कंडीशन है जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा है जहाँ पर वहां पर ये स्मॉग ज्यादा पाए जाने की संभावना है आप देखते हैं लंडन स्मॉग लंडन स्मॉग हुआ था 1952 में पहली बार या फिर पहली बार नहीं जब इसे एक्चुअल में आइडेंटिफाई किया गया था तो उस टाइम बारह हजार से भी ज्यादा लोग लोगों की इसमें डेथ हुई थी कुछ ऐसा दिख रहा होगा उस टाइम ये असली पिक्चर नहीं है लेकिन इसी टाइप का ब्राउन कलर का ही स्मॉग पूरे लंडन पर छाया हुआ था और जो मेजर रीजंस थे वो पहला तो था बर्निंग ऑफ कोल काफी उस टाइम बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वहां पर और कोल ही बर्न होता था इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में तो उसकी वजह से ही और वहाँ का जो वेदर कंडीशन है लंडन का जो वेदर कंडीशन है वो कोल्ड है और वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट या फिर ह्यूमिड कंडीशंस हैं उसकी वजह से भी ये कोल ये स्मॉग वहाँ पर इंटेंसिफाई हुआ और उसको हम लंडन स्मॉग के नाम से जानते हैं आपको बेसिकली ईयर याद रखना है और जो मेजर रीजंस हैं वो याद रखना है अगला है फोटो केमिकल स्मोक इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसको लॉस एंजलिस स्मोक के नाम से जाना जाता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्यों जाना जाता है उस नाम से ये येलो कलर का होता है जो क्लासिकल स्मोक था वो ब्राउन कलर का था ये येलो कलर का होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है फिर ये दिन में होता है हम नाम से ही देख सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक फोटो, फोटो यानी कि लाइट और इसके लिए लाइट चाहिए इसके लिए सनलाइट चाहिए तो इस वजह से ये दिन में ही पाया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी पॉलिटेंट्स ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी पॉलिटेंट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है आगे हम देखेंगे कि इसके बनने का प्रोसीजर क्या है तो उसमें आपको समझ में आएगा ये ड्राई और सनी वेदर एकदम उल्टा जो क्लासिकल स्मोक के लिए कंडीशन चाहिए थी उसकी एकदम उल्टी कंडीशन है कि ड्राई वेदर होना चाहिए सूखा वेदर होना चाहिए सन ज्यादातर टाइम के लिए चाहिए वहां पर और जेंटल विंड्स बहुत ही धीमी हवाएं चल रही हों उस जगह पर फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा तो ऐसी कंडीशन पूरी की पूरी लॉस एंजल्स में हुई थी इन द ईयर 1943 और मेजर रीजन था पहली चीज़ तो व्हीकुलर पोल्यूशन दूसरा वेदर कंडीशन जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर ड्राई वेदर सनी वेदर और जेंटल विंड्स बह रही थी उस टाइम पे या फिर मतलब उस समर में बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा जैसा कंडीशन हमें चाहिए एग्जैक्टली exactly वैसी कंडीशंस थी दूसरा व्हीकुलर पॉल्यूशन व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकल रहा था व्हीकल से मेजरली जो पॉल्यूटेड निकलता है वो है नॉक्स यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जितने भी टाइप्स के होते हैं तो उसकी वजह से ही ये वहां पर ऐसा येलो कलर की चादर पूरी आ, हो गई थी लॉस एंजल्स के ऊपर और इसी को हम लॉस एंजल्स मॉक के नाम से जानते हैं और लॉस एंजल स्मॉग फोटोकेमिकल स्मॉग का दूसरा नाम है अब देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बेसिकली होता किस वजह से है तो पहला है हमें चाहिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तो वो बनते हैं व्हीकुलर पोल्यूशन जब हो रहा होता है व्हीकल्स जब चल रही होती हैं, जब उसमें इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है दूसरा है volatile ऑर्गेनिक compounds, volatile ऑर्गेनिक compounds, ऑर्गेनिक compounds, कार्बन ऑक्सीजन और बाकी कुछ एलिमेंट्स के हेल्प से बनते हैं volatile compounds वो होते हैं जो कि जल्दी उड़ जाते हैं जैसा कि हम लोग पेंट रिमूव सॉरी नेल रिमूवर्स यूज करते हैं उसे अगर हम खुला छोड़ दें तो वो जल्दी उड़ जाएंगी वो एक वॉलेटाइल कंपाउंड है उसी तरीके से इसके सोर्सेज हैं पहला है पेंट्स फिर ग्लूज या फेविकॉल्स जो हम देखते हैं और तीसरा जो पेट्रोलियम है वो भी इसका एक सोर्स है तो ये बनता कैसे है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो हैं जैसे कि नॉक्स और वी जो कि वॉलिटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सन की प्रेजेंस में सूर्य के प्रेजेंस में ये कंबाइन होते हैं और ये बनाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जैसे कि ग्राउंड लेवल ओजोन और पैन जिसको हम बोलते हैं पेरॉक्सीटाइल नाइट्रेट तो ये सारे जब कंबाइन होते हैं ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स तब फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है जैसा कि हमने देखा था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में फॉर्म पाई जाती है या तो व्हीकुलर पोल्यूशन की वजह से या फिर दूसरे किसी सोर्सेज की वजह से वो यूवी रेडिएशन या सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि एन और ओ ऑक्सीजन रेडिकल जो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है उसमें टूट जाती है उसमें डिवाइड हो जाती है और फिर जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन रेडिकल के साथ कंबाइन होता है क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती है ये चाहती है कि, ये कि किसी के साथ जल्दी से जुड़ जाए तो फिर वो ग्राउंड लेवल ओजोन बनाती है तो इसकी वजह से ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है जिसे हम बैड ओजोन के नाम से भी जानते हैं जो कि अच्छी बिल्कुल नहीं है हम लोगों के लिए वो स्मॉग में जो वो ओजोन पाई जाती है वो इस प्रोसेस के थ्रू बनती है। फिर दूसरा जो चीज हमने बोला कि पेरॉक्सीटाइल नाइट्रेट जो बनता है वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन व्हीकल से या फिर किसी और सोर्स से मान लीजिए कोई फायर है वहां से अगर आ रहा है तो और ये ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में बन चुका है ऑलरेडी उससे कंबाइन होके ये पैन बनाते हैं तो ये सारे के सारे मिलकर स्मॉग बनाते हैं जिसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं अब दोनों के दोनों स्मॉग्स के इफेक्ट क्या है पहला है आइज नोज एंड थ्रोट इरिटेशन आपको आंख नाक और गले में इरिटेशन होगी अगर आपको ऑलरेडी अस्थमा या फिर कोई लंग डिजीज है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाएगी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं ये बेसिकली ओजोन की वजह से होता है ओजोन से क्रॉप डैमेज होते हैं और आपकी जो हार्वेस्ट है वो कम होगी आपका जो अनाज निकलना था वो कम मात्रा में निकलेगा लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर रबर जो है वो जो मतलब जो असल मतलब अच्छी रबर होती है वो क्रैक नहीं होती जल्दी लेकिन जब ओजोन प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में स्मॉग जो फोटोकेमिकल स्मॉग के जो कॉन्स्टिटुंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से रबर की क्रैकिंग जल्दी होती है तो लोगों का नुकसान होता है फिर है नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान और उससे एसिड रेन बनती है और एसिड रेन के काफी सारे नुकसान हैं जैसे कि मॉनूमेंट्स या फिर बिल्डिंग्स को हार्म करना क्रॉप्स को हार्म करना स्किन डिजीजेस कॉज करना तो ये सारे जितने भी हैं ये सब के सब इफेक्ट्स हैं स्मोक के अब देखते हैं कि जो हम डेली में लास्ट ईयर जो विंटर्स में स्मोक हुआ था वो क्यों हुआ था उसका रीजन क्या था तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसको आपने न्यूज में भी सुना होगा कि पराली जलाने की वजह से और बाकी और भी रीजन्स थे लेकिन मेजरली आपने न्यूज में जो सुना होगा वो पराली जलाने की वजह से ही डेली में जो स्मॉग है वो दिख रहा है हमें तो पंजाब और हरियाणा में उस टाइम हार्वेस्ट का टाइम था लोग अपने जो क्रॉप्स थे उसको काट रहे थे लेकिन उसके बाद जो फील्ड है वो कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रही है ड्रॉइंग में दिख रही है तो जब ऐसी फील्ड हो जाती है तो अगला क्रॉप जो आप उगाना चाहते हैं वो आप आसानी से नहीं उगा सकते पहले आपको इस चीज को हटाना पड़ेगा तो इसके का कई तरीके हैं एक तरीका है कि आप इसको जला दीजिए दूसरा मशीन्स के थ्रू भी आप इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं लेकिन फार्मर्स ने ये बोला कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं हमारे पास उतना रेवेन्यू नहीं है कि हम मशीन्स खरीदें या फिर मशीन्स को हायर करें तो उसकी वजह से उन्होंने ये जलाना शुरू किया अब पहला चीज़ तो पहला रीज़न तो हो गया बर्निंग ऑफ क्रॉप फील्ड जो मैंने समझाया दूसरा है वेदर कंडीशंस दिल्ली की वेदर कंडीशन सर्दियां थी लेकिन सर्दियों में भी धूप निकलती है धूप रहती है और हवा बहुत ही धीमी चलती है ड्राई कंडीशन्स होती हैं ये एकदम सही है स्मॉग को परसिस्ट करने के लिए तीसरा है विंड का डायरेक्शन जो पंजाब और हरियाणा से हवाएं चल रही थी वो दिल्ली तक आ रही थी दिल्ली के डायरेक्शन में चल रही थी और लेकिन वो जो हवाएं हैं वो उसके आगे नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो वहीं पे रुक गई वहीं पे स्मॉग का फॉर्मेशन हो गया और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा असर देखा गया प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स इन द सिटी जो ऑलरेडी प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स थे दिल्ली में जो गाड़ियां चलती हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स थे दिल्ली में तो उसकी वजह से भी स्मॉग और इंटेंसिफाई हुई क्योंकि वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो वहाँ से हवाएं आ रही थी उसके साथ जो भी पॉल्यूटेंट्स uh, आ रहे थे उसको कैप्चर कर रही थी और फिर वो फॉग और स्मोक सब कम्बाइन होके उसने uh, जो भी आपने कंडीशंस ने उसमें देखी होंगी कि पूरा दिल्ली कवर हो गया था स्मॉग से वो हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से टाइप का स्मॉग था दिल्ली वाला फोटोकेमिकल स्मॉग था या फिर क्लासिकल स्मॉग था और uh, बस थैंक यू सो मच आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया जो भी uh, स्मोक के बारे में मैंने बताया जो भी स्मॉक के टाइप्स दोनों बताए उनमें डिफरेंस आपको समझ में आया अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट कोई भी वीडियो मिस ना करें और लाइक कर सकते हैं अगर आपको इसने हेल्प किया और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ना सिर्फ नेट में ये काफ़ी सारे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है सो थैंक यू सो मच